शुक्र अदा करता हूँ, खास करके फिल्म भाई यहाँ पे जो हाजी साहब ग्रुप इलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट्स सभी जनाब रिस्पेक्टेड पर्सन्स मुझे इस इसके काबिलियत बनाया, इसलिए अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया है दिन से। ये जो ह्यूमैनिटी फेस लॉकडाउन के पीरियड में सामने आए इसका पूरा श्रेय औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद सर को मैं तहे दिल से दे दूंगा, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है, फोर्स में जब काम करते हैं तो कोई भी ऑफिसर हो या कर्मचारी हो वो हुकुम का बंदा होता है। सर अगर मुझे बोलते थे तो पुलिस स्टेशन ही संभाल तो मैं कुछ नहीं कर पाता था, मेरा ज्यूरिडिक्शन ही मुझे संभालना पड़ता था। बोलते थे तो अगर नाकाबंदी में खड़ा रहा तो मुझे नाका आदेश का पालन करना पड़ता था, नाकाबंदी में खड़ा रहा। सीपी सर ने मुझे इसके काबिलियत समझा, इसकी जवाबदारी मेरे कम्युनिटी पुलिसिंग का काम करने का मौका मुझे दिया, ये सीपी सर का बड़ापन है। और इसमें नोमान जुनैद फारूकी साहब जो पायम इंसानियत के है ग्लोबल फाउंडेशन के NGO, साथ ही साथ प्रोफेसर जो मौलाना आजाद कॉलेज में प्रोफेसर है सैयद जकीउद्दीन साहब, ये लोगों का औरंगाबाद फर्स्ट ग्रुप का इतना मुझे कोऑपरेट मिला, इतना हम मुझे यानी हमारे पूरी डिपार्टमेंट को कोऑपरेट मिला, इसलिए जो लेडीज पीपल्स है उनको किसी को अपने भूखे सोने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा काम ह्यूमैनिटी फेस पुलिस का सामने आया है, या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कहीं पर भी क्रिएट नहीं हुआ इसका। ये जो लोगों ने सभी धर्म के सभी कौम के लोगों ने आगे आके पुलिस को सहायता की, यानी पुलिस का काम नागरिकों ने पहले किया, ये जब ये पदभार औरंगाबाद सिटी का चार्ज सीपी सर ने संभाला तब से ये कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए सिर्फ पुलिस ही नहीं काम कर रही लोगों के लिए, तो लोग भी इसमें शामिल है, एक लोग सर्वर बन गई है सर के वजह से ये पूरा काम हो रहा है। ये काम करते समय इसमें एक ही बात थी कि सेटिस्फेक्शन, आगे कुछ भी नहीं, इतना ही मालूम था कि अभी जितना हो सके उतना अपन लोगों की काम कैसा आ सके, बाकी सब पुलिस वाले डट के खड़े थे और मैं भी वही काम संभालते संभालते ये कम्युनिटी पुलिसिंग का काम कर रहा था। और जो जनता का औरंगाबाद के जो सिटीजन्स है उनका इतना सहयोग मिला इसके लिए मैं वो कभी मेरे आखिरी सांस तक भूल नहीं पाऊँगा। और आपने जो आज मेरा सम्मान किया ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन है, अभी मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है, मैं आपका सभी का शुक्रगुजार करता हूँ और आगे इससे भी अच्छा काम करने की अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। जय हिंद सर। लोगों को समझाया साहब ने एक चीज़ की सबसे हटकर कि सिर्फ डंडे से ही नहीं मधुर वाणी से भी काम हो सकता है, आपने इस चीज को जनता में फैलाया गया, सिर्फ डंडा ही हाथ में रहना जरूरी नहीं है, हमारी जबान से हम जो है तो हमारी मीठी बोली से जो है तो हम लोगों को ये चीज के लिए जागरूकता ला सकते हैं। जैसा कि संत तुकाराम ने कहा था, एक में का सहाय करो आओगे धरो सुपंत, एक में को मदद करके हम जितना आगे बढ़ सकते थे इसके अंदर साहब ने वो काम किया। और पुंडलिक नगर में जब कोरोना का जब पेशेंट आया तो साहब ने वहां बहुत सख्ती से वो वहां पर सख्ती से पेश आए और कोरोना ज्यादा नहीं फैलना बोलकर सबसे आखिरी में अगर हम देखेंगे आखिरी के स्टेप में कोरोना वहां पर पहुंचा था, मगर औरंगाबाद के बहुत एरियो में गया लेकिन वहां पर पहुंचा। दूसरी साहब की खास बात यह है कि साहब 2 साल से सोशल एक्टिविटी में लगे, इनके अंदर जो कम्युनिटी पुलिसिंग बोल के एक डिपार्टमेंट साहब ने चालू किया था जिसके अंदर सोशल जितने भी काम, कोई अगर नौकरी को किसी को नौकरी नहीं लग रही है तो साहब उसके लिए मदद करते नौकरी लगाने के लिए, या किसी को अगर इसके दौरान में जब महामारी बहुत बढ़ गई लॉकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब भूखमरी की बात आई तो साहब ने आगे बढ़कर खुद जाकर NGO से बात किया, जो NGOs है जो सामाजिक संगठन है उनसे बात किया और बात करने के बाद में साहब ने जो है तो वहाँ पर साहब ने बात किया और वहाँ जाकर बात किया और लोगों को किट वहाँ पर साहब ने पहुँचाया घर घर जाकर हर लोगों की मदद की। यहाँ पर इसीलिए हमारे युवा पत्रकार संगठन संघ के जनाब भयूम साहब ने एक चीज़ कही थी कि भाई जो भी इसने किस पीरियड में काम किया एज ए कोरोना योद्धा, उनकी पूरी पूरी ग्रुप ने एक तय किया कि एज ए कोरोना योद्धा उनको जो है तो यहाँ सम्मान दिया जाए, उनका प्रस्ताव तय किया हमारे सर साहब से। और हम युवा शक्ति पत्रकार संघ की ओर से देखिए आए घनश्याम चौधरी साहब को जो है तो ये सम्मान पत्र लेके सम्मानित करते हैं।
परीक्षण कमेटी के अध्यक्ष मुझे निकलवाना था मसूद भाई ये पूरा ग्रुप नहीं आएंगे ऐसा नहीं आता नहीं नहीं आता पूरा नहीं आता थोड़ा पीछे नहीं पूरे नहीं आते हमने भी लाश की पार्टी में एमजीएम में शहर में कहीं पर भी जिसका कोई नहीं रहता उसकी पूरी लाश की अपना उसको पूरा धरना अंतिम संस्कार पूरा करते हैं चाहे किसी समाज का आज यहाँ हमें युवा शक्ति पत्रकार संघ तरफ सम्मानित करना हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हाँ दूसरों को भी शेयर करें।